तो हेलो गाइस, दिस इज महापूज का वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑफ माय चैनल महापूज ब्लॉग्स। तो कैसे आप लोग, उम्मीद है बहुत बढ़िया रहेंगे। तो आज मैंने शेयर करेंगे और एक ओपनिंग रिक्रूटमेंट जिस कंपनी में है अभी फिलहाल, बहुत सारा अलग अलग डिपार्टमेंट में, उसके बारे में बात करेंगे। तो कंपनी का नाम है आर के सी इंफ्राबिल्ट प्राइवेट लिमिटेड। इसी कंपनी का ओपनिंग निकल आया है, तो उसके बारे में बात करेंगे और अप्लाई करने का जो प्रोसेस सब कुछ वहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा डिपार्टमेंट है, पूरा डिटेल्स बात करते हैं। तो चलो पहले शुरू करते हैं आरकेसी इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। तो ये कंपनी जो शुरू हुआ था 1987 में रोड कंस्ट्रक्शन बिजनेस इन 1987 शुरू किया था। कहाँ पे? रोड कंस्ट्रक्शन में से। तो ये कंपनी का मेन जो प्रोजेक्ट रहता है रोड प्रोजेक्ट रहता है, मैक्सिमम जो कंपनी है प्रोजेक्ट है इसका रोड प्रोजेक्ट है, एंड उसी में इसका रेपुटेशन है। हेलो ऑफिस लॉ, रोड प्रोजेक्ट शुरू हुआ था लीड भाई कमलेश भाई एंड शाह से शुरू किया था इसका, एंड जो है रिच हिस्ट्री सिंस 1987, नो डिफॉल्ट हिस्ट्री इन प्रोजेक्ट कंप्लीशन टिल डेट। टाइम से पहले ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करता है, ये खासियत है इसका। और कुछ और भी देख लेते हैं। पहले ए क्लास कैटेगरी, हाईएस्ट कैटेगरी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर एलिजिबल टू बिड अक्रॉस ऑल द गवर्नमेंट अथॉरिटी थ्रू आउट इंडिया विदाउट एनी मॉनिटरी लिमिट। ये कहीं कैसे भी करते हैं, एक अच्छा रेपुटेशन है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, रोड का बहुत अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट कम्प्लीट किया है ऑलरेडी टिल डेट। तो चलो इसके बारे में तो जान लिया है। ऑल फोर PPP मॉडल प्रोजेक्ट कंप्लीटेड अर्लियर देन शेड्यूल विथ अर्ली फिफ्थ इन अंडर कंस्ट्रक्शन। तो फोर PPP मॉडल कंप्लीट हो गया, फिफ्थ इज अंडर प्रोग्रेस चल रहा है इस कंपनी का। तो चलो अभी जो बात करेंगे उसका, कहाँ का वैकेंसी है उसके बारे में बात करते हैं। तभी कॉल भी बहुत आना शुरू कर दिया, और ये जो रिंगटोन है मेरा इसमें से मतलब कॉपीराइट क्लेम हो जाता है, बहुत दिक्कत हो गया है। इसको मेरे को म्यूट करके रिव्यू बनाना शुरू करना पड़ता है। तो चलो अभी शुरू करते हैं, इसका क्या क्या वैकेंसी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले फर्स्ट नंबर वन वर्कशॉप मैनेजर के लिए वैकेंसी है, एक्सपीरियंस 8 to 10 ईयर्स के लिए, क्वालिफिकेशन BTEC मैकेनिकल डिप्लोमा इन उसके बाद मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए वैकेंसी है, एक्सपीरियंस 4 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस होगा तो चलेगा, क्वालिफिकेशन BTEC मैकेनिकल डिप्लोमा इन मैकेनिकल होगा तो भी चलेगा। प्लानिंग एंड बिलिंग इंजीनियर जो मेरा भी है इस कैटेगरी में, मैं भी अप्लाई कर सकता हूँ। 2 to 8 साल का एक्सपीरियंस जो मेरे लिए एप्लीकेबल है, BTEC इन सिविल डिप्लोमा इन सिविल, सिविल का चाहिए, मैं सिविल का ही हूँ तो मेरे लिए है, मैं अप्लाई करूँगा। स्टोर एग्जीक्यूटिव 4 to 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, एनी ग्रेजुएट होगा तो चलेगा, स्टोर के लिए तो BTEC नहीं चाहिए, ग्रेजुएट होगा तो चलेगा। और गुजरात के लिए प्रोजेक्ट लोकेशन इन गुजरात होना चाहिए। स्टोर इन्वेंटरी एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी है, 4 to 6 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे भी चाहिए, कोई भी ग्रेजुएट होगा तो चलेगा, वो गुजरात का लोकेशन होना चाहिए, उसी लोकेशन में अगर करना चाहेंगे तो। सेफ्टी सुपरवाइजर के लिए वैकेंसी है, 3 to 5 साल के लिए वैकेंसी है, सैलरी रेंज थोड़ा कम है, 18,000 to 25,000 तक का रेंज है। और डिप्लोमा इन फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट में आपको डिप्लोमा करना होना चाहिए। अभी आता है अकाउंट पेएबल्स के लिए वैकेंसी है, 8 to 15 साल का वैकेंसी एक्सपीरियंस चाहिए, BCOM MCOM। तो जो अकाउंटेंट के लिए वो वैकेंसी है हेड ऑफिस में, अहमदाबाद हेड ऑफिस में का वैकेंसी है, अकाउंट बोल हो गया। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल के लिए वैकेंसी है, 8 to 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, BCOM MCOM इसके लिए भी चाहिए, और हेड ऑफिस में इसका भी जॉब है, हेड ऑफिस लोकेशन में अहमदाबाद में हमारा हेड ऑफिस है, मतलब इस कंपनी का हेड ऑफिस है आरकेसी का। हाईवे डिजाइन इंजीनियर का वैकेंसी है, 3 to 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, BTEC सिविल में करना होना चाहिए, और हेड ऑफिस अहमदाबाद में इसका भी जॉब है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर हाईवे और स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए वैकेंसी है, 2 to 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, BTEC इन सिविल और डिप्लोमा होगा तो चलेगा, लोकेशन अलग अलग है, सिल भाषा दीव दमन हमारा जो दीप पुंज है उसमें इसका वैकेंसी है। अभी चला जाता है क्वालिटी इंजीनियर एंड सीनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी है, 3 to 9 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, BTEC इन सिविल और डिप्लोमा भी होगा तो चलेगा, और सेम लोकेशन पे सिलवासा दीव एंड दमन के लिए वैकेंसी है। प्रोजेक्ट मैनेजर हाईवे प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर का वैकेंसी है, 15 साल का प्लस
प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए 15+ एक्सपीरियंस चाहिए, देनी आपको प्रोजेक्ट मैनेजर बन पाएंगे आप लोग। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो बीटेक इन सिविल और डिप्लोमा भी होगा तो चलेगा। लोकेशन है सिलवासा के, सिलवासा के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर का वैकेंसी है, और यहाँ पे वहाँ के लिए एक्सपीरियंस इन रोड प्रोजेक्ट इज प्रीफर्ड, जिसका क्योंकि रोड प्रोजेक्ट का काम होगा तो रोड प्रोजेक्ट का अगर एक्सपीरियंस रहेगा आपके पास तो प्रीफरेबल है, नहीं तो फिर भी कंसिडर कर सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट को, लेकिन रोड में होगा तो प्रीफरेबल है। कैंडिडेट मस्ट बी विलिंग टू रिलोकेट इन गुजरात साइट लोकेशन, गुजरात में आपको अगर एग्री है रहना है क्योंकि गुजरात का ही प्रोजेक्ट है, गुजरात में अवेलेबल है इसीलिए इसमें जाना है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन शेयर रिज्यूम एट, एक यहाँ पे ईमेल आईडी दिया हुआ है, उसमें जाके आप ईमेल आईडी सेंड किए तो आपका शॉर्टलिस्टेड हो सकता है, उसके बाद जो प्रोसेस रहता है प्रोसेस होगा, नहीं तो whatsapp.com में यहाँ पे व्हाट्सएप में लिंक भी दिया है, उसमें जाके भी आप व्हाट्सएप में रिज्यूम सेंड कर सकते हो, नहीं तो ईमेल में ईमेल करिए, उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो हो जाएगा। अगर अच्छा जाना है तो आप कर सकते हैं आराम से। तो चलो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे न्यू न्यू अपडेट आपको देते रहेंगे रेगुलरली। हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।